फ्लावर्स कलेक्ट करने हैं, उनको ड्राई करने हैं, क्रश करने हैं। हाथ पे भी आधे फ्लावर्स क्रश होते हैं, नहीं हुआ तो मिक्सी यूज करो, मिक्सी में क्रश करो। एंड अगर तुम लोग को अच्छा अच्छा स्मेल चाहिए उसमें, तो कोई ना कोई एसेंशियल ऑयल्स वगैरह भी डाल। इन सब पॉट्स की एक खासियत है कि ये है बायोडिग्रेडेबल है, और इनके कुछ भी मतलब इन्वायरमेंट में ये पोल्यूशन का कारण नहीं बनते हैं। अब सन ड्राइंग प्रोसेस ही क्यों, क्योंकि ये ऐसा मेथड है जो एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है। एंड सन, जैसा हम जानते हैं कि ये एक ऐसा रिसोर्स है जो इजीली सबको मिलता है, ऑर्गेनिक ही होगा, अनऑर्गेनिक कचरा उसमें नहीं डिकम्पोज होगा। उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे और थोड़ी सी दही। दही इसलिए क्योंकि दही उस डिकम्पोजिशन प्रोसेस को ज्यादा एनहांस करेगी, ज्यादा जल्दी से अपना कम्पोस्ट रेडी। वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए वो क्या है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। बस यहाँ पे एक बाउल का बॉक्स है, इसको मैं यहाँ से कट करके दो चीज का बना सकते हैं। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन, तो हम लोग रीडिंग कर सकते हैं और आउटडोर गेम खेल सकते हैं। लाइफ विदाउट प्लास्टिक, हम अपने घर के पीछे एक बायोगैस प्लांट बनाकर उसमें डाल सकते हैं। आदत हो गई अपनी प्राइवेट गाड़ियों की, हम उसमें जा रहे हैं, जिसकी वजह से एनवायरमेंट को प्रॉब्लम हो रहा है, हम इंस्टेड पब्लिक व्हीकल यूज कर सकते हैं।